तो सर अभी आप कौन कौन सी कंपनी के लिए यहाँ पर हायरिंग कर रहे हैं? हम अलग अलग कंपनियों में जाके हायरिंग कराते हैं। हमें डिप्लोमा की और ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेटों की हायरिंग मतलब ज़्यादा रहती है जी। कंपनी खाने के लिए और आने जाने के लिए कंपनी उन्हें अलग से प्रोवाइड कराती है, अपना जो भी पैसा होता है वो कंपनी अलग से देती है। नहीं नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम भर्ती कराते हैं। इंटरव्यूज में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अगर कोई 10th पास 12th पास कैंडिडेट आपके पास आता है? 10th हर साल इंक्रीमेंट होता है सैलरी का, एक साल बाद 20% का इंक्रीमेंट होता है सैलरी में, फ्रेशर का हो या अप्रेंटिस का। हमारे कॉन्टैक्ट से जो आएगा वो हम उसे 20% सैलरी इंक्रीज करेंगे पर ईयर। फरीदाबाद में एक टायर की कंपनी हमारे पास आई है, अच्छा उसमें भी हायरिंग करेंगे हम। दोस्तों नोएडा में काफ़ी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जो कि आए दिन काफ़ी सारे लोगों को हायर करती हैं, और ये ज़्यादातर वैकेंसीज आपको बता दूं कि कॉन्ट्रैक्टर के जरिए आती हैं। इन वैकेंसी में 10th पास 12th पास आईटीआई डिप्लोमा होल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। और आज जो मैं अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ ये एक कॉन्ट्रैक्टर के जरिए है, और कॉन्ट्रैक्टर के जरिए ही मैं आपको देने वाली हूँ पूरी जानकारी कि ये वैकेंसी कौन सी कंपनी में है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कब कब यहाँ पर हायरिंग चलेगी, सारी जानकारी कॉन्ट्रैक्टर के जरिए आज मैं आपको दूंगी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर दोस्तों आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया हो, बेल आइकन को भी प्रेस किया हो। और हाँ, काफी सारे लोग कमेंट करते हैं कि मैडम हमें डिस्क्रिप्शन में कोई अप्लाई लिंक नहीं दिख रहा, तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि मैं अब डिस्क्रिप्शन में अप्लाई लिंक नहीं देती हूँ, आपको विजिट करना होगा www.jobnow247.in। जो भी वीडियोस, जो भी वैकेंसीज मैं आप सभी के लिए इस चैनल पर लेकर के आती हूँ वो सभी जॉब वैकेंसी के अप्लाई लिंक, कॉन्ट्रैक्टर के नंबर हो या कॉन्ट्रैक्टर का व्हाट्सएप नंबर हो, सब कुछ आपको jobnow247.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिलेगा। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले ही मैं आपको बता देती हूँ, गूगल पर टाइप कीजिए www.jobnow247.in और काफ़ी सारी वीडियोस जो मैं आपके लिए इस चैनल पर ला चुकी हूँ सभी के अप्लाई लिंक विद डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट पर आपको दिख जाएंगी। तो फटाफट से आप अप्लाई कर सकते हैं, और चलिए इस वैकेंसी की जानकारी हासिल करते हैं डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्टर से। तो सर अभी आप कौन कौन सी कंपनी के लिए यहाँ पर हायरिंग कर रहे हैं? मैं अभी यूके भी इलेक्ट्रॉनिक में सेक्टर 63 और 67 के लिए हायरिंग कर रहा हूँ। अच्छा, ये अपना सेक्टर 63 ये C118 है, और यह सेक्टर 67 में C14 में है। हम लोग अप्रेंटिस कराते हैं बच्चों को, डिप्लोमा वाले और आईटीआई वाले और 10th 12th वाले लड़कों को नेट्स और नेप्स के रजिस्ट्रेशन कराते हैं। इस कंपनी के अलावा सर और भी कोई कंपनीज है जिसके लिए आप हायरिंग करते हैं? जी अभी कंपनियां हमारे पास आ रही हैं, अभी फरीदाबाद में एक टायर की कंपनी हमारे पास आई है, अच्छा उसमें भी हायरिंग करेंगे हम अभी 2-4 दिन में, उसमें हमारी पोस्टिंग होने वाली है। अच्छा, उसमें हायरिंग करेंगे उसके बाद। अच्छा जी, तो बेसिकली सर जैसे मतलब नोएडा में आप एक नहीं बल्कि अलग अलग कंपनीज के लिए रेगुलरली हायर करते हैं? जी मैडम, है ना, ऐसे जरूरी नहीं है कि आज किस कंपनी के लिए हायर करें तो कल किसी और के लिए इसी कंपनी के लिए हायर करते रहेंगे, और भी कंपनीज के लिए हायर? नहीं, हमारा ट्रांसफर होता रहता है, हम अलग अलग कंपनियों में जाके हायरिंग कराते हैं। अच्छा, तो आपको सर कौन कौन से कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट रहती है सर? हमें डिप्लोमा की और ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेटों की हायरिंग मतलब ज़्यादा रहती है, क्योंकि उनकी बेसिक सैलरी है वो 13,000 रुपये रहती है। अच्छा, क्योंकि अगर हम 10th 12th वालों को करें तो वो सैलरी उनकी थोड़ी कम रहती है। अच्छा, इसलिए हम ग्रेजुएशन और डिप्लोमा वालों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अच्छा, और कितने घंटे की ड्यूटी रहती है सर? ज़्यादातर बेसिक तो 8 घंटे की ड्यूटी चलती है। अच्छा, या तो ओटी, कई लोगों की परेशानी होती है तो वो ओटी करना चाहते हैं तो उनके लिए ओटी की सुविधा भी उपलब्ध करा दी जाती है। अच्छा, खाने पीने की कोई फैसिलिटीज़ वगैरह? जी कंपनी खाने के लिए और आने जाने के लिए कंपनी उन्हें अलग से प्रोवाइड कराती है, अपना जो भी पैसा होता है वो कंपनी अलग से देती है। अच्छा, और क्या कोई फीस वगैरह, कोई चार्जेस वगैरह? नहीं नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम भर्ती कराते हैं। अच्छा, हम किसी से कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। अच्छा सर, इंटरव्यूज में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अगर कोई 10th पास 12th पास कैंडिडेट आपके पास आता है? 10th 12th के लिए हम बेसिक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उनकी डेट ऑफ बर्थ, नाम, प्रॉपर उनकी लोकेशन कहाँ से है, वो परमानेंट एड्रेस और यहाँ पे वो अभी परमानेंट रह रहे हैं, वहाँ कहाँ से आए हैं, किस कंपनी में उन्होंने काम किया है पहले, इस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी, जैसे कि कोई, जैसे बहुत सारी यहाँ लड़कियाँ भी खड़ी हुई थी गेट के पास और बहुत सारे लोग भी खड़े हुए थे, तो वो मुझसे कह रहे थे कि हमारी यूनिफॉर्म सही नहीं है, हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, तो क्या आप बोलेंगे कि किस तरीके के कपड़े और किस तरीके की चप्पल्स वगैरह पहन करके आए जिससे उनका इंटरव्यू में दिक्कत ना हो? नहीं, ज़्यादातर ऐसा होता है कि फॉर्मल कंपनी में फॉर्मल कपड़े पहने जाते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले है कि जूते पहन के आएँ, अच्छा लोअर ना पहने,
अच्छा। लोअर टी शर्ट गोल कलर की टी शर्ट ना होनी चाहिए। अच्छा। लोअर नहीं होना चाहिए। अच्छा। लगे कि प्रोफेशनल कपड़े। हाँ, प्रोफेशनल कपड़े जैसे इंटरव्यू में देने जा रहे हो तो प्रोफेशनल होने भी चाहिए। हाँ। उस हिसाब से आना चाहिए। अच्छा सर, कौन कौन सी पोस्ट रहती है जिनके लिए आप हायर करते हो? फिलहाल तो फ्रेशर के लिए कर रहे हैं। हाँ। फ्रेशर के लिए और उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। अच्छा। और लाइन इंचार्ज लाइन लीडर के लिए भी वैकेंसी आती रहती हैं। अच्छा। जैसा एक्सपीरियंस होता है उन्हें उसी हिसाब से उन्हें जॉब प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, अगर किसी को एक्सपीरियंस नहीं है तो ट्रेनिंग वगैरह भी आप लोग देते हैं? जी उसके लिए हम अप्रेंटिस कराते हैं उन्हें एक साल के लिए। उन्हें अप्रेंटिस इसीलिए कराते हैं, एक साल में वो अप्रेंटिस करते हैं, ट्रेनिंग के रूप में ही रहते हैं। उन्हें कंपनी निकालती नहीं है, हम उनका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करते हैं 3 साल के लिए, 1 साल के लिए, जैसा बंदा करना चाह रहा। अच्छा, ऐसा नहीं होता जैसे अप्रेंटिस के बाद लोग निकाल देते हैं नौकरी से, तो आपके यहाँ पर कितने साल तक अगर? नहीं, 3 साल, बेसिकली 3 साल, मतलब लड़के से जो भी अप्रेंटिस कर रहा है उससे पूछ लिया जाता है कि अच्छा। कितने साल में वो एक्सपर्ट हो सकता है। अच्छा। उसे जैसे ही अप्रेंटिस करेगा उससे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। हर साल इंक्रीमेंट होता है सैलरी का? 1 साल बाद 20% का इंक्रीमेंट होता है सैलरी में, फ्रेशर का हो या अप्रेंटिस का। हाँ। हमारे कॉन्टैक्ट से जो आएगा वो हम उसे 20% सैलरी इंक्रीज करेंगे पर ईयर। ओके सर, तो थैंक यू सो मच सर, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी, बहुत सारे लोग हैं आपसे जुड़ेंगे भी। आप अप्लाई करने के लिए क्या प्रोवाइड करेंगे? कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी, वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। ओके, मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा। ओके, जिसको भी एग्री हो वो आ सकता है। थैंक यू सो मच सर। और गाइस, जो भी सर ने कॉन्टैक्ट नंबर मेल आईडी मुझे प्रोवाइड करी है, रिटर्न इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, आप उसको रीड आउट भी कर सकते हैं www.jobnow247.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा। इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।